दोस्तों ये प्रॉब्लम क्या है, फर्स्ट आपको दिखा रहा हूँ। ये जो फुटबॉल होता है वाटर लेवल दिखाने का, वो देखिए पानी से भर गया है, इसलिए वो नीचे गया है और उसके ऊपर पानी आ गया है। इसलिए ताकि ये पूरी छोटी, ये टैंक छोटा जो है इनलेट वाटर का, वो पूरा भर के साइड से पानी आ रहा था बाहर, इधर तक भर रहा था, ये पानी आते ही रह रहा था इसमें और ये बाहर जाते रह रहा था पानी। अभी थोड़ा पानी मैंने निकाल लिया है, ऊपर तक लेवल थी इसकी। अब ये प्रॉब्लम मैंने कैसे सॉल्व किया वो आपके इस वीडियो में आगे दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको पूरा दिखाता हूँ दोस्तों, चलिए अभी वीडियो की तरफ जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, गुड मॉर्निंग, मैं अनिरुद्ध पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे सोलर इन्फॉर्मेटिव चैनल सोलर इन्वेंशन चैतन्य इलेक्ट्रिकल्स पर। ये जो वाटर हीटर मैंने एक बरस पहले रिपेयर किया था मेरे खुद का, थोड़ा उसको लीकेज प्रॉब्लम आ गया है फिर से। वो देख रहा हूँ आपको, मेरे पीछे वाटर हीटर दिख रहा होगा, सोलर वाटर हीटर 250 लीटर का है, 250 लीटर का, लगभग 10 बरस हुए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम है देखेंगे दोस्तों, वीडियो की तरफ जाएंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। ये दोस्तों वाटर हीटर है, ये दस बरस यूज़ किया है मैंने। एक बरस पहले ये रिपेयर भी किया था मैंने, इसके भी वीडियो प्लेलिस्ट में मौजूद है मेरे सोलर वाटर हीटर प्लेलिस्ट में, इसके भी वीडियो मौजूद है। उसके पाइप वगैरह बदले थे मैंने, फूट गए थे पाइप, फिर से थोड़े थोड़े पाइप फूट गए। देखिए ये भी पाइप फूट गया है, अंदर से क्रैक हो गया है। ये तब मैंने छोटे पाइप डाले थे, 16 cm के, 18 cm के मिले नहीं थे, ये छोटे पाइप डालते मैंने, अल्टरेशन किया था, तब से बहुत अच्छी तरह ये वर्क हो रहा है। अभी तब पूरा एसिड वॉश करके क्लीन किया था मैंने सभी पाइप को, 28 पाइप्स को। ये थोड़े दिन बाद ये प्रॉब्लम आ गया इस पाइप को, देखिए अभी इसमें पानी नहीं है, इधर तक लेवल दिखा रहा है पानी के, पानी मैंने अंदर पानी गया है। इसके डबल कोटिंग रहता है, इसके अंदर अंदर एक पाइप रहता है नीला और ऊपर कांच का रहता है, फूट गया है। इसका प्रॉब्लम क्या है देखेंगे दोस्तों, पानी वगैरह गर्म होता है इसका, इधर देखिए इस टंकी में से पानी निकल रहा है, ये महीने लीकेज प्रॉब्लम निकाल दिया था 6-8 महीने पहले, देखिए अभी वो तक क्लियर आई है, यहाँ से लीकेज सब बंद हो गया है। ये देखिए इधर महीने लीकेज प्रॉब्लम निकाला था, लगभग 8 महीने हो गए तब से ओके आई है लीकेज प्रॉब्लम, इसका बंद हो गया है। अभी इधर से इस टंकी से लीकेज प्रॉब्लम हो रहा है, देखेंगे खोल के। इसके वाल की सिस्टम देखिए दोस्तों, फुटबॉल नीचे किया, नीचे गया, अंदर की वाटर की लेवल दिख रही है आपको, ये कम हो गई तो ये नीचे जाता है ये फुटबॉल, और ये अंदर का वाल ओपन होता है पानी का। देखिए मैं थोड़ा सा होने में नीचे दबा रहा हूँ, सिर्फ थोड़ा सा लगी पानी आना चालू होता है इस वाल से, ये पाइप आए इनलेट वहाँ से आया है। अभी फुटबॉल निकालता हूँ मैंने, इधर इधर एक पिन है, ये बोर का पानी हम इस्तेमाल करते हैं, जरा ये इस पर क्षार आ जाते हैं, अटक जाता है, जरा ये इसकी पिन अटक जाती है हर बार।
देखिए इशारा, ये देखिए हर बार ये बैठ जाते अंदर। बोर को हमारे ज्यादा शार है, हार्ड वाटर है हमारे बोर का। ये सब जरा एक टंकी में क्लीन करता हूँ, कहाँ से लीकेज हो रहा है देखता हूँ। देखिए ये पिन नहीं निकल रही, अभी घूम रही है, थोड़ा सा रश पकड़ लेता है ये अंदर। ये पकड़ से निकलता हूँ दोस्तों ये फुटबॉल इसका निकल लिया है। ये क्या हो रहा है, इस टंकी की लेवल इधर तक ही होनी चाहिए, इधर हो ले का है लेवल के लिए। देखिए इधर तक ही ये रहना चाहिए, ये पानी से भर गया है दोस्तों। देखिए आपको आवाज आ रही होगी, इसके अंदर पानी है फुटबॉल के अंदर, इसलिए परफेक्टली वर्क नहीं हो रहा। आपको आवाज सुनने को आ रही है क्या? देखिए इसके अंदर पानी आ गया, ये खोखला होता है पूरा अंदर से, किधर से तो थोड़ा खराब होके इसके अंदर पानी गया है, इसलिए परफेक्ट नहीं वर्क कर रहा है। वाटर लेवल परफेक्ट नहीं दिखा रहा इसका, स्विच नहीं परफेक्ट ओपन हो रहा। इसमें क्या अंदर का पानी निकलना है, स्क्रू निकल के इसके अंदर का पानी निकलता हूँ दोस्तों, फिर ये परफेक्ट रिपेयर होगा और ये टंकी पूरी नहीं भरेगी। इधर तक भर रही थी टंकी, इधर तक भरनी चाहिए, इधर तक भर रही थी और ये लीकेज प्रॉब्लम आ रहा था, यहाँ से पानी गिरा ही दोस्तों नीचे। देखिए इसके अंदर का पानी निकलता हूँ मैं, ये नट निकल के अभी मुंह से खींच के पानी निकलना पड़ेगा इसका। पहला अंदर का ये सब क्षार निकलना है, निकल रहा हूं। देखिए बहुत हार्ड वाटर है हमारे यहाँ, देखिए क्षार की परतें बन गई है अंदर डब्बे में, इसलिए रस पकड़ता है जल्दी से। ये होल भी थोड़ा थोड़ा पैक हो जाता है कभी कभी, ये वाटर लेवल का। अभी इसका इनलेट बंद कर दिया है मैंने दोस्तों, ये ठंडे पानी का इनलेट बंद कर दिया, नहीं तो ये बंद नहीं किया होता तो इधर से पानी अंदर आना चालू हो जाता, ये भर के सब ओवरफ्लो हो जाता छोटी टंकी। अभी फुटबॉल जो है उसका इसका ही निकल के इसके इसका पानी नहीं निकलता दोस्तों, जल्दी मुंह से खींच के पानी निकलना पड़ता है इसका। पानी निकलता है इसका, कीप इट वॉचिंग दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे दोस्तों, देखिए इतना बड़ा ये रॉड रहता है, इसमें घूम के बैठता है दोस्तों, इधर एक बोलता है इसके अंदर पानी है दोस्तों, देखिए हिल रहा है, दिखाता हूँ आपको। देखिए ये भर गया है पूरा पानी से, इसलिए इसका ये नीचे ही रह रहा है, ये ऊपर आना चाहिए इस टंकी के लेवल के अनुसार, ये ऊपर ऐसा आना चाहिए। ये भर गई तो टंकी, ये टंकी भर गई तो ये ऊपर आना चाहिए, ऊपर नहीं आ रहा था पानी के वेट से, नीचे ही रह रहा था इसलिए ओवरफ्लो हो रहा था पानी। देखिए इधर क्षार दिख रहे हैं आपको, अभी वेटलेस करता हूँ इसे, पानी के वजह से वेट बढ़ गया है इसका, वर्किंग नहीं हो रहा है कपल। अभी मुंह से खींच के पानी निकालना पड़ेगा दोस्तों, इधर मुंह लगा के पानी खींचता हूँ इसका।
दोस्तों अभी देखिए ये हिलाता हूँ इसे मैं, इसका पानी का आवाज़ नहीं आ रहा, इसका पानी मैंने पूरा निकाल दिया है। देखिए इतना पानी था इसके अंदर, अभी खोखला हो गया पूरा। ये जब लेवल आ गई इधर आपको दिख रहा होगा पानी के लेवल, अभी एक्चुअली पानी के लेवल ज़्यादा है, यहाँ तक पानी के लेवल आनी होगी, आनी चाहिए। देखिए इधर मैं मेरी उंगली रख रहा हूँ, और ये जो ये फुटबॉल है ना ये ऊपर आना चाहिए, ये आना ही रहा था, ये पूरा भर गया था पानी से, इसलिए वेट अभी से वेटलेस कर दिया है मैंने, ये परफेक्ट वर्क होगा। अभी ऊपर नीचे ये ऊपर आ गया तो इसका पानी इस वाल से इसके टंकी में पड़ना बंद हो जाता है दोस्तों। ये पानी भरने के कारण ये नीचे ही रह रहा था और पानी आते ही रह रहा था इसमें, और ये इस पाइप से बाहर आ रहा था पानी इस पाइप से, या इससे भी ये स्पंज रहता है दोस्तों। देखिए स्पंज, स्पंज से भी अंदर आके इधर से ठिपक रहा था नीचे पानी, इसलिए रस पकड़ लिया इन्हें, इसे निकल दिया प्रॉब्लम मैंने, इसका काम कर दिया है मैंने, पानी निकल दिया। अभी बिठाता हूँ दोस्तों, दिखाता हूँ आपको बिठा के, रिपीट वॉचिंग। देखिए दोस्तों ये बिठा दिया है मैंने, अभी ये नीचे किया तो भी पानी नहीं आ रहा इसमें, इसमें बंद कर दिया है उधर से वाल। ये टेस्ट करने के लिए इसका थोड़ा पानी निकालता हूँ मैं, टेस्ट करने के लिए, ये भर गया है ना अभी, इसका वाटर इंडिकल परफेक्ट दिखाता है क्या, टेस्ट करने के लिए पानी थोड़ा निकालता हूँ इस टंकी में से, इस टंकी में से पानी निकालता हूँ। ये आउट है, आउट वॉल है पानी निकालने का, वीडियो दोस्तों पूरा रियलिटी पर वीडियो कैसा है पूरा मैंने पूरा दिखाया है आप, वीडियो जरूर वीडियो को जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। मैं जिन लोगों ने मेरे चैनल का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, खुद ही मैं रेफरी करता हूँ, खुद आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। लगभग 340 वीडियो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मौजूद है, वो भी कृपा करके देख लीजिए, आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। लेवल कम हो गई है, देखिए लेवल पानी की कम हो गई, और इधर से वाल ऑन करता हूँ मैं, इनलेट वाल गार पानी ठंडे पानी का, देखिए अभी वर्किंग हो रहा है, अभी स्टॉप कर, अभी थोड़ा और पानी निकालना पड़ेगा। देखिए आना पानी आना चालू हो गया दोस्तों, ये नीचे गया, ये फुटबॉल नीचे गया, अंदर का स्विच रहता है, ये ऊपर आया तो देखिए बंद हो जाता है, देख लिया आपने, थोड़ा सा भी ऊपर आया तो ये बंद हो जाता है, ये पानी के लेवल से ही ऊपर आता है, खोखला होने के कारण ही अभी पानी के लेवल कम है। ये स्पीड मैंने बहुत कम रखा है दोस्तों, ऊपर 3 टंकियां है हमारी पानी की, बहुत प्रेशर आता है इसलिए स्पीड कम रखा है मैंने, और थोड़ा कम करता हूँ, ये ज़्यादा स्पीड हो गया, पानी का स्पीड ज़्यादा हो गया। कम हो गया इतना बस, बहुत फास्ट से बहुत फास्ट इसके इसमें ठंडा पानी जाने से अंदर का गर्म पानी भी बहुत फास्ट ये होता है, उसका भी टेम्परेचर कम होता है दोस्तों, इसलिए थोड़ा स्लो पानी रखा है। अभी लेवल उधर तक आएगी, इसके नीचे के बेस इसे नीचे ये पानी की लेवल लगी कि तो ये बंद हो जाएगा पानी, देखिए बंद होगा पानी अभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाया दोस्तों, पूरा कैसे फॉल्ट निकाले आपको ये वीडियो में मैंने दिखाया है, क्या प्रॉब्लम आ सकता है, वीडियो का जरूर लाइक कीजिए दोस्तों।
जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए थोड़ा थोड़ा तो ये ऊपर आ रहा है, पानी भी थोड़ा थोड़ा कम आ रहा है यहाँ से। ऐसा एक बार ऊपर आ गया तो ये पानी आने का इस तरह से ठहर जाता है, पानी आना बंद हो जाता है। अभी लेवल आई नहीं है दोस्तों। देखिए दोस्तों पानी आना बंद हो रहा है, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेवल कंप्लीट हो गई पानी की। देखिए पाइप आपको दिख रही है, पाइप के नीचे के सिरे तक इस वाटर टैंक से पाइप आई है। देखिए थोड़ा 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 पानी गिर रहा है, ऑटोमेटिक हो गया दोस्तों, ये वर्किंग ऑटोमेटिक हो रहा है, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये भी थोड़ा 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 पानी गिर रहा है, वो भी बंद होगा। ये फ्लो दिखाता हूँ आपको पानी का, ये नीचे क्या तो कितना जोर से पानी आता है। देखिए देखिए कितने जोर से पानी आता है, ये हो गया, इसका काम हो गया दोस्तों। देखिए इसके नीचे ही पानी के लेवल रहे अभी ऊपर तक आ गई थी, अपने फर्स्ट पहले देखा इधर तक ये पूरा डूब गया था अंदर पानी के, फुटबॉल के भरने के कारण। देखिए नीचे पानी छोड़ दिया है दोस्तों, किन्होंने तो गर्म पानी निकाल दिया इसलिए, और इसकी लेवल ये हो गई, डिस्टर्ब हो गया। अभी फिर लेवल आने पर ये बंद हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।